आज मैं जा रहा हूँ IIT मंडी, जो कि एक मेरा रिसर्च विजिट है। और मैं IIT दिल्ली के कैंपस से निकल चुका हूँ और इस समय मैं अर्कीपुरम मेट्रो स्टेशन पे हूँ, जो कि मजेंटा लाइन पे पड़ता है और IIT दिल्ली हॉस्टल के सबसे पास में है। मैं अभी बस पहुँचने वाला हूँ। मैंने जो है बस टिकट ऑलरेडी बुक कर रखा है HRTC की वेबसाइट से, तो मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। HRTC ने मुझे बोला है कि 20 और 21 नंबर प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, वहाँ आपको बस जो है वो मिलेगी। 9:27 पर मेरी बस चलेगी यहाँ से। ये मेरी बस है जिससे मुझे जाना है, और काफ़ी यहाँ बारिश भी हो रखी है तो उससे भी प्रॉब्लम आ रही है। और ISBT पे थोड़ा सा इशू हो भी जाता है कि किसकी बस कौन सी है, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, सब लोग अपनी अपनी बसेस को खोज रहे हैं। तो मुझे हालांकि मिल गई है, 9:27 पे मेरी ये बस यहाँ से निकलेगी। और सीट पे है मेरी बुकिंग, बस तो ठीक है लेकिन सीट थोड़ी गंदी है। नंबर 13 पे मेरी बुकिंग है और मैं बैठने जा रहा हूँ। मेरे साथ दो बैग है, एक पीछे और एक आगे, मैंने टांग रखा है। आगे वाले बैग में बस खाने का आइटम है। तो ड्राइवर साहब ने बोला है कि 6:30 बजे तक मंडी पहुंच जाएंगे, और बारिश भी हो रही है, देखते हैं रास्ता कैसा रहता है। वैसे तो सो ही जाते हैं लोग रात में, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। वहां से फिर बस पकड़नी होती है IIT मंडी जाने के लिए, तो वहां की भी बुकिंग ऑलरेडी हो रखी है। जो मेरे कोलैबोरेटर हैं वहाँ पर, उन्होंने कर रखी है वो, तो आई होप कि 9 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा IIT मंडी। दिल्ली से चलने से पहले एक्चुअली बस का AC ख़राब हो गया था, तो चलने में काफ़ी लेट हो गया। और बस हम लोग की तकरीबन 11 बजे निकली है, और निकलते ही हम लोग यहाँ कहीं रुके हैं खाने के लिए। एक हरियाणा टूरिज्म का ही है होटल, लेकिन यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ खास बेकार सा ही है। और अब मुझे ये टेंशन हो गया है कि मुझे उल्टी ना हो, क्योंकि ये AC वाली बस है और मुझे उल्टी होती है, और पहाड़ों पर जब ये ट्रैवल करेगी तो और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मेरे पास कुछ है भी नहीं कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो अब मुझे डर लग रहा है कि रात भर क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नींद आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो देखते हैं क्या होता है। सुबह के 7 बज रहे हैं और दिल्ली वाली बस ने मुझे उतार दिया है मंडी में, और यहाँ से एक दूसरी बस चलती है जो कि मुझे IIT लेके जाएगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे उल्टी वाला सीन हो जाता है, मोशन सिकनेस है, तो वो हुआ मुझे। और रास्ता काफ़ी घुमावदार था, तो 2 बार लगभग मुझे उल्टी हुई है, और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मैं जा रहा हूँ उस बस को पकड़ने जो मुझे IIT के लिए IIT लेकर जाएगी, और वो आई थिंक 1 घंटे में एक बार यहाँ से चलती है। अभी 7 बजे निकल गई मेरे सामने ही, तो अब 8 बजे वाली बस मुझे पकड़नी है। ये कुछ नज़ारा है मंडी बस स्टैंड के पास का, बहुत ही अच्छा एक प्लेग्राउंड भी है यहाँ पर। बस मंडी सिटी से पकड़ के मैं तकरीबन 9 बजे IIT मंडी के नॉर्थ कैंपस में आ गया था, और ये CV रमन गेस्ट हाउस है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे, और कैंपस भी काफ़ी खूबसूरत है, मगर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तकरीबन 1 घंटे मुझे लगा IIT की बस से आने में, तो सिटी भी काफ़ी दूर है यहाँ से, और बट कैंपस काफ़ी खूबसूरत है, और जो गेस्ट हाउस है वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और थोड़ी मोशन सिकनेस हो गई थी रास्ते में, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई, तो मैं अभी सो रहा था। अब लंच टाइमिंग यहाँ पे हो गया है, तो लंच करके मैं साउथ कैंपस जाऊँगा, और वहाँ पे थोड़ा रिसर्च रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो मैं करूँगा। आज एक कैंपस टूर मैं आप लोग को देता हूँ। सेंटर है जहाँ से मैंने एक मोशन सिकनेस की दवा भी अभी भी ले ली है, और बहुत ही इजली इन लोगों ने दे दिया ऐसे ही फ्री में। मैंने बोला कि मैं यहाँ पे एक विजिटर हूँ,
तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो कि ईजिली नहीं मिलती है। बाकी अदर इंस्टीट्यूट की बात करें तो अगर आईआईटी दिल्ली में भी आप चाहेंगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेगी दवा। मैं थोड़ा सा एक राउंड ले रहा हूँ कैंपस का, इसी तरह नॉर्थ कैंपस का, क्योंकि लंच टाइमिंग जो है वो 1 से 2 है। तो मैं 12:30 बजे पहुँच गया था, तो 1 बजे तक मैं थोड़ा एक चक्कर लगा लेता हूँ इधर कैसा कैंपस है। देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है कैंपस। पास हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ काफ़ी रिवर्स भी हैं, तो उनमें से एक रिवर ये भी है। यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा व्यू है। हम लोग यहाँ पे एक जगह खाना खाने आए हैं, तो वहाँ से कुछ व्यू आ रहा है आईआईटी मंडी का। और ये जो इस साइड आपको दिख रहा है, ये हॉस्टल्स हैं जो राइट साइड में है, और वो कुछ मेस है और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं। ये साउथ कैंपस है आईआईटी मंडी का, और इसके आगे की तरफ नॉर्थ कैंपस। तो ये है सीवी रमन का गेस्ट हाउस का वो रूम जिसमें मैं रुका हूँ। काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, और ये है, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ से बालकनी भी है, बाहर व्यू सही है, यहाँ से धूप भी अच्छी आ रही है। अरेंजमेंट सही है गेस्ट हाउस के रूम में, और मैं बस यहाँ से अब निकल रहा हूँ। मैंने दोनों बैग पैक कर लिए हैं, अब मैं अभी यहाँ से जाऊँगा साउथ कैंपस, वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे आगे। आईआईटी मंडी का साउथ कैंपस है, और यहाँ पे सब लोग, काफ़ी लोग उतर जाते हैं। फिश पॉन्ड इसको बोलते हैं, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये भी एक बस स्टॉप है। मैं भी यहीं उतर गया हूँ, और कैंटीन है सामने, यहाँ कुछ खाऊंगा। और बाकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, इसमें डायरेक्टर्स ऑफिस है ऊपर, और व्यू तो अच्छा आता ही है। खैर, यहाँ से सर से मीटिंग हो गई है, और अब हम लोग निकल रहे हैं पराशर लेक की तरफ, और कैब बुक हो गई है उसके लिए, ये वाली। और पराशर लेक जाऊंगा, और मैं फिर मंडी निकलूंगा, जहां से बस पकड़ के मैं जाऊंगा फिर कीरतपुर। से नीचे वो पराशर लेक है, और वो पराशर ऋषि का मंदिर इस तरफ, और काफ़ी अच्छा व्यू है। हम लोगों ने पूरा एक राउंड लगा लिया पराशर लेक का, और अब हम लोग बस थोड़ी देर में यहाँ से कुछ खा के निकलेंगे वापस।
आईआईटी की तरफ, और फिर वहाँ से मैं आगे निकल जाऊँगा मंडी, मंडी से कीरतपुर, कीरतपुर से दिल्ली। लेक से आईटी मंडी आए थे हम लोग, और आईटी मंडी के बाद उसी कैब से मैं यहाँ आ गया हूँ मंडी बस स्टैंड। यहाँ से मैं कीरतपुर साहिब की बस पकड़ूँगा, और कीरतपुर साहिब से मेरी ट्रेन बुक है ऑलरेडी दिल्ली के लिए। एक्चुअली आते समय मुझे काफ़ी वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी, तो इसलिए मैंने बस को थोड़े मैंने अवॉइड करना चाहा है, क्योंकि कीरतपुर साहिब तक तो अवॉइड नहीं कर सकते, वहाँ तो बस से ही जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो आगे की जो जर्नी है मैं ट्रेन से करूँगा, और कल सुबह 5 बजे ट्रेन मुझे दिल्ली पहुँचा देगी। मैं अपनी वॉट लगवाने माहिर हूँ, और ऐसा मैं पहले भी कर चुका हूँ, और फिर से आज मैंने किया, क्योंकि मैंने टिकट बुक कर लिया था कीरतपुर से दिल्ली के लिए बाई ट्रेन, और कीरतपुर तक मुझे बस से आना था। और उसमें मेरे साथ ये हुआ कि मैं बिलासपुर तक मुझे बस मिली पहले, और फिर वहाँ से मुझे चेंज करके इधर आना था कीरतपुर तक, उसके लिए बस नहीं मिल रही थी। तो बहुत ड्रामा हुआ, बड़ी मुश्किल से मुझे बस मिली, और एनी हाउ मैं टाइम पे पहुंच गया हूँ। और कीरतपुर रेलवे स्टेशन है जो कि पंजाब में आता है, और का बहुत छोटा रेलवे स्टेशन है। बहुत दिनों बाद मैं इतने छोटे रेलवे स्टेशन पे आया हूँ। तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस कुछ लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं ट्रेन के आने का, और फॉर्चुनेटली मैं भी टाइम पर पहुँच गया हूँ, और उम्मीद है अब ट्रेन में बैठ के दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो जितना पहाड़ी रास्ता था, जो जितना डिफ़िकल्ट रास्ता था, वो फिर से मैंने बस से ही कवर कर लिया, और अब जो प्लेन का रास्ता है वो मैं ट्रेन से कवर करूंगा। इट्स अ रैप टू द जर्नी, ट्रेन ने टाइम पर पहुंचा दिया था दिल्ली, और अब मैं फाइनली आई एम बैक ऑन द कैंपस, जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। और जर्नी काफ़ी अच्छी रही ओवरऑल, अब आगे का देखते हैं क्या करना है। सी यू गाइज, बाय।